मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों सावधान। आपका मोबाइल सिम बनेगा आपका दुश्मन। मोबाइल सिम साफ करवा देगा आपका बैंक अकाउंट। आज के दौर में हर जेब में मोबाइल है और करीब करीब हर मोबाइल वाले के पास बैंक में खाता है, लेकिन सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें वायरल हो रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ठगों के एक नए गिरोह की नजरें आपके मोबाइल पर, आपके मोबाइल की सिम पर। छोटी सी ट्रिक अपनाने के बाद ये ठग आपका बैंक अकाउंट हैक कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर इस वायरल मैसेज में क्या कहा जा रहा है। इस वायरल खबर के मुताबिक ठगों का गिरोह आपके मोबाइल का सिग्नल गायब कर देगा। थोड़ी ही देर में सिग्नल वापस आएगा, फिर एक फोन आएगा। फोन करने वाला खुद को उसी कंपनी का नुमाइंदा बताएगा जिस कंपनी का फोन आप इस्तेमाल करते हैं। फोन करने वाला नेटवर्क की दिक्कत बताते हुए उसे ठीक करने की बात कहेगा। वो नेटवर्क रीसेट करने के लिए एक मैसेज आने की बात कहेगा, जिसका जवाब एक नंबर दबाकर देना है। जैसे ही आप मैसेज का जवाब देते हुए एक नंबर दबाएंगे, आपके फोन का नेटवर्क फिर गायब हो जाएगा और अगले दिन आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। जी, वायरल मैसेज में ये दावा किया जा रहा है कि आपके बैंक खाते से सारे पैसे निकल सकते हैं और पैसे निकलने का कोई मैसेज आपके पास नहीं आएगा। ये खबर हमारे लिए बहुत अहम थी, क्योंकि 21वीं सदी का हिंदुस्तान मोबाइल जमकर इस्तेमाल करता है, तो देशवासियों के बैंक अकाउंट की सुरक्षा के लिए हमने इस खबर का वायरल टेस्ट करने की ठान ली। वायरल खबर में यह दावा किया गया कि यह मैसेज हैदराबाद पुलिस की साइबर सेल ने भेजा है। साथ ही यह ताकीद की गई कि अगर आपके पास ऐसा कोई फोन कॉल आए तो भूल कर भी एक नंबर न दबाएं, न ही कोई मैसेज करें, नहीं तो आपका फोन घर बैठे हैक हो जाएगा और बैंक खाता साफ। हमने सबसे पहले हैदराबाद पुलिस की साइबर सेल से संपर्क साधा। हमें हैदराबाद पुलिस की फेसबुक पेज पर भी यही मैसेज मिल गया। हमने हैदराबाद पुलिस के साइबर सेल के एसीपी केसीएस रघुवीर से बातचीत की। उन्होंने माना कि पिछले कुछ ही दिनों में उनके पास इस तरह बैंक खातों के सफाई के कई शिकायतें आ चुकी हैं। अभी तक हमारे पास 4-5 केसेस आए हैं, एफआईआर करके रजिस्टर किए, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सो अभी तक तो जो वन टाइम पासवर्ड ये सब हो रहा था, ये सब झारखंड बिहार आसनसोल की तरफ से हो रहा था, बट अभी नए केसेस हैं, तो प्रोबेबली ये पूरा जब चेक कर रहे हैं तो दिल्ली से आ रहे हैं कॉल, तो अभी ये हार्डली 1 वीक 10 डेज में ऐसे केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। हैदराबाद पुलिस ने हमें बताया कि जिन लोगों के अकाउंट से पैसे साफ हुए उन्हें फोन दिल्ली से आए थे। धोखे से सिम कार्ड स्वैप करने यानी डुप्लीकेट सिम बना लेने की बातें तो अब तक बहुत आई थी, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ फोन पर मैसेज भेजकर या कुछ बटन दबाने से आपके सिम कार्ड की जानकारी दूसरी जगह पहुंच जाए और आपका डुप्लीकेट सिम कार्ड बना लिया जाए। हमने साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट से भी बातचीत की। आज एक कस्टमर को अपने सिम कार्ड का भी प्रॉपर प्रोटेक्शन करना चाहिए, ऐसे किसी झांसे में नहीं आना चाहिए। कोई ऐसा मैसेज बिना समझे और किसी के सीखे नहीं देंगे। कोई फोन कॉल पे आपका बैंक वेरीफाई नहीं कर रहा है, कोई फोन कॉल से आपका एटीएम ब्लॉक नहीं कर रहा है, कोई फोन कॉल पे आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का लुभावना ऑफर नहीं दे रहा है और कोई फोन कॉल पे आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल या पिन या सीवीवी जैसी चीजें नहीं मांग रहा है। बैंक भी समय समय पर ऐसे फ्रॉड को लेकर अपने ग्राहकों को चेताते रहते हैं। हम भी आपको आगाह कर रहे हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति के ईमेल को सोच समझ कर खोलें। अगर उसमें कोई अटैचमेंट हो तो उसे हरगिज न खोलें। किसी भी ईमेल के जवाब में अपने बैंक की डिटेल हरगिज न दें, भले ही जानकारी मांगने वाला व्यक्ति बैंक के कर्मचारी होने का दावा करे। सोशल मीडिया पर सोच समझ कर कोई भी जानकारी डालें, क्योंकि कोई भी इस जानकारी का गलत फायदा उठा सकता है। लगातार अनजाने नंबरों से फोन आने पर हड़बड़ाकर फोन बंद न करें। आपके मोबाइल के सिम कार्ड के जरिए आपके बैंक खातों को खाली करने वाले जो तरीके हैं वो यहाँ पर सही पाए गए हैं। बस ये कुछ सावधानियां हैं जिनसे आप ऐसे फ्रॉड से बच सकते हैं। इसके साथ ही हमारे वायरल टेस्ट में मोबाइल सिम के जरिए बैंक अकाउंट साफ करने की ये खबर पास हो गई।